सुशांत सिंह राजपूत की मौत का एक साल हो गया है और उनके फैंस अब भी सुशांत को भुला नहीं पाए और इस मामले से निकल कर आए ड्रग फैक्टर को भी नहीं, क्योंकि सुशांत मौत मामले में ड्रग के कई एंगल निकल कर सामने आए थे और कई बड़े सितारों के नाम भी सामने आए जिनसे पूछताछ के लिए लगातार पुलिस ने उन्हें बुलाया और एनसीबी ने मुंबई के कई इलाकों में छापेमारी कर कई गिरफ्तारियां भी की, लेकिन शायद कुछ लोगों पर अब भी इसका असर नजर नहीं आता है। मुंबई में अब भी ड्रग्स का सेवन किया जा रहा है, पार्टियों में इसका इस्तेमाल बखूबी किया जा रहा है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि मुंबई में एक बॉलीवुड अभिनेत्री ने अपने जन्मदिन पर ड्रग के साथ पार्टी की, लेकिन उसको ये पार्टी करना महंगा पड़ गया। पार्टी जब अपने शबाब पर थी तभी पुलिस को किसी ने खुफिया तौर पर खबर दे दी, जिसके आधार पर पुलिस की टीम ने देर रात होटल में छापेमारी की और अभिनेत्री को उसके दोस्त के साथ गिरफ्तार कर लिया। अभिनेत्री की पहचान नायरा नेहल शाह के रूप में हुई है। मामला मुंबई के सांता क्रूज पुलिस थाने इलाके का है। पुलिस के मुताबिक अभिनेत्री नेहल शाह होटल के एक रूम में चरस का इस्तेमाल भी कर रही थी। पुलिस ने फौरन पार्टी में मौजूद अभिनेत्री नेहल और उसके दोस्त आशिक हुसैन को गिरफ्तार कर लिया। दोनों वहां पर चरस ले रहे थे। सोमवार को दिन में सांता क्रूज पुलिस ने दोनों को कोर्ट में पेश किया, जहां कोर्ट ने उन दोनों को जमानत पर रिहा कर दिया। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। नायरा नेहल शाह दो तेलुगु फिल्मों में काम कर चुकी हैं, लेकिन अब सवाल ये है कि पिछले एक साल में पुलिस ने कई ड्रग पेडलर्स को गिरफ्तार किया, उसके बाद भी इस तरह के नशीले पदार्थ कहां से आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, ये कोई नहीं जानता। लेकिन ये खबर सामने आने के बाद कहीं ना कहीं प्रशासन पर भी सवाल खड़े होते हैं और प्रशासन कटघरे में नजर आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।